प्रदेश के सियासी संकट पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने अपने कैबिनेट मंत्री के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है विक्रमादित्य सिंह ने। ये बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार पहले ही संकट में है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने अपने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की ये खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि सरकार पहले से ही राजनीतिक संकट से जूझ रही है। तो हिमाचल की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस सरकार पहले ही बुहरान में है, संकट में है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा सामने आया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंत्री पद से दिया है इस्तीफा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि कल से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग के दौरान ये संकट सामने आया। हालांकि बहुत पहले से सब कुछ चल रहा था लेकिन वो लोगों की नजर में नहीं था। कल जब राज्यसभा के लिए वोट डाले गए, राज्यसभा सीट के लिए, उस वक्त ये तमाम संकट सामने आया। और अब इस तमाम घटनाक्रम के दौरान बड़ा अपडेट ये है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बीच ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हिमाचल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश से दे रहे आपको ये बड़ी खबर। इस बीच तमाम घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। विक्रमादित्य सिंह ने भी इस बीच अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे, काफी जज्बाती नजर आए विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा देने के बाद। और उन्होंने उसके बाद मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि गेंद अब आला कमान के पाले में है। काफी जज्बाती, काफी भावुक हो गए विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा देने के बाद। और उन्होंने कहा कि गेंद अब आला कमान के पाले में। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है विक्रमादित्य सिंह ने। इस दौरान वो काफी जज्बाती, काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि गेंद अब आला कमान के पाले में। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, ये कहना है विक्रमादित्य सिंह का। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, तमाम बातें विक्रमादित्य सिंह ने कही। सुनाते हैं आपको तफसील से आखिर उन्होंने क्या कहा। कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरे तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है, इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है। मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले एक साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मैं मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं, और उसकी वजह से ये चीजें आज जो भी परिस्थितियां आज बनी हैं, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है, यहां से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड, और इन चीजों को हमने जहां जहां हो सकता है हम। तो विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं मीडिया से। काफी जज्बाती, काफी भावुक विक्रमादित्य सिंह नजर आए। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से हिमाचल में सरकार बनी, लेकिन विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, मेरे लिए पद अहम नहीं, लोगों से रिश्ता जरूरी है, एक साल से विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम बातें विक्रमादित्य सिंह ने कही अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद। ये सब बातें बोलते हुए नजर आए विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि सरकार बचे, कभी कभी सख्त फैसले लेने पड़ते। तो हिमाचल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। काफी भावुक हो गए विक्रमादित्य सिंह अपने पद से इस्तीफा देने के बाद। मंत्री पद संभाल रहे थे हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के नेतृत्व में, और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि विधायकों की आवाज एक साल से दबाने की कोशिश की जा रही थी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मेरे लिए पद अहम नहीं है, लोगों से रिश्ता अहम है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को तमाम सूरत हाल से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार बने। और मेरे साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी और हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल, इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर हिमाचल प्रदेश से सामने है। कल से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं, और अब जो ये बड़ी खबर मिली है वो ये कि विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। काफी भावुक वो नजर आए, और उन्होंने भी शिकायतों की एक पोटली खोलकर रखी है सामने, कह रहे कि विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कमल, क्या लंबे वक्त से ये सब चल रहा था लेकिन बाहर लोगों को एहसास नहीं हुआ, शुरू से ही नाराजगी थी क्या सुक्खू के नेतृत्व से? और देखिए, इसमें दो बातें हैं और ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, और हिमाचल की राजनीति में भूचाल वाकई में आ गया है। जो हम कल से कह रहे हैं, मुमताज और विक्रमादित्य सिंह ने जो बात कही है उससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि वो सुक्खू के नेतृत्व से बिल्कुल खुश नहीं है। कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान पर एक बड़ा प्रेशर बना दिया, ऐसा प्रेशर जिसे रिलीज विक्रमादित्य सिंह और कमल, हम आएंगे आपके पास, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद हमारे दर्शकों तक, हम आएंगे आपके पास कमल। फिलहाल ये बड़ा अपडेट हम दे रहे अपने दर्शकों को, विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और वो भी बिल्कुल खुश नजर नहीं आए सीएम सुक्खू के नेतृत्व से, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार बचे। हालांकि इस बीच ये ऐलान किया गया था कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला जाएगा। तो हिमाचल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसके बाद काफी भावुक नजर आए, उन्होंने तमाम बातें भी कही, सुनाते आपको उन्होंने क्या कहा। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में
मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रतापूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी, बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि गेंद अबाला कमान के पाले में है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जो सख्त भी होते हैं। उन्होंने भी कहा कि प्रियंका गांधी को तमाम परिस्थितियां तमाम हालात बताए गए हैं। ये भी कहा विक्रमादित्य सिंह ने कि हम चाहते हैं कि सरकार बचे, तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है विक्रमादित्य सिंह ने। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने प्रोफाइल के तहत अब तक राजनीतिक तौर पर क्या क्या किया है। 33 साल के विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक एक बार फिर हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, काफी जज्बाती थे विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी जनता के लिए सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी को तमाम हालात से अवगत करा दिया गया है। कुल जमा ये कमल की वो जो 6 बागी विधायक थे उनके अलावा ये कहा जा सकता है कि बागियों की ये फेरिस्त काफी लंबी है कांग्रेस में अभी देखा जाए तो। और विक्रमादित्य सिंह ने ये तमाम बातें कहकर आखिर किस तरफ इशारा किया है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बागी विधायकों की लिस्ट में विक्रमादित्य सिंह को इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने अभी वाकई में आला कमान के पाले में गेंद रख दी है। और इससे एक बात साफ हो सकती है कि विक्रमादित्य सिंह ने जो मूव किया है, पॉलिटिकल जो मूव किया है, इससे आला कमान पर बहुत बड़ा प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया है। और यह प्रेशर वो प्रेशर है जिसे रिलीज भी विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह कर सकती है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। प्रतिभा सिंह, जैसे कि आपका पहला सवाल था, बहुत अहम सवाल था, बहुत वाजिब सवाल था मुमताज, जब हमारी और आपकी बातचीत हो रही थी, क्या ये पहले से चल रहा था और किसी को मालूम नहीं हुआ था? ऐसा लगता है कि प्रतिभा सिंह ने समय समय पर जो नाराजगी जाहिर की थी, और अभी 2-3 दिन पहले ही तो उनका बयान सामने आया था, बजट पेश किया गया, उसके बाद बयान सामने आया कि जो सरकार कर सकती थी वो सरकार ने नहीं किया। और ये सवाल जब कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाता था, मैंने कल भी पूछा और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि तालमेल तो ठीक है लेकिन संगठन और सरकार में तालमेल नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर प्रतिभा सिंह की मैं बात करूं, वो जो नाराजगी भरे लहजे में अपनी बातें रख रही थी, उससे लग रहा था कि ये नाराजगी है हॉली लॉज की और ये नाराजगी है प्रतिभा सिंह की। विक्रमादित्य सिंह ने वैसे तो खुलकर कभी कुछ नहीं कहा लेकिन आज जो कहा उसकी कसर पूरी कर दी है, क्योंकि जो एक साल में हुआ उन्होंने देखा होगा पीडब्ल्यूडी जैसा उनके पास महत्वपूर्ण विभाग था, जो पिछले दिनों त्रासदी हुई है, जो भी हुआ हिमाचल प्रदेश में, जो बाढ़ जैसी आफत आई थी और जो नेचुरल तरीके से नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश को, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह बहुत नपेतुले शब्दों में अपने विभाग की बात करते थे, जब सरकार की बात आती तो चुप रहते थे। उसके बाद जैसे जैसे विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे सरकार बैकफुट पर जैसे आती दिखाई दी। विक्रमादित्य सिंह के पास इससे बढ़िया मौका नहीं था, ये पॉलिटिकल पंडित भी मानते होंगे, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को ये लगता है इससे अच्छा मौका आलाकमान पर प्रेशर बना
बनाने का नहीं होगा। जब 6 आपके बागी विधायक हो जाते हैं, 3 जो समर्थन देने की सोचते हैं सरकार को, वो बागी हो जाते हैं, यानी कि वो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ चले जाते हैं। जो सत्ता में आने की विपक्ष सोच रहा है, बीजेपी सोच रही है, विक्रमादित्य सिंह अब प्रेशर बना रहे हैं। अगर वो बागी होते हैं, अगर वो सोचते हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की, जो कि इतिहास में लिखा जाएगा कि वीरभद्र सिंह परिवार अभी अपनी पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा होगा या फिर एक कंडीशन के साथ जा रहा होगा, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना यह दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है। यह कह दिया गया है कि आलाकमान के पाले में गेंद है। प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है, परिस्थितियां बताई है विक्रमादित्य सिंह ने, तो क्या प्रियंका गांधी ने कोई आश्वासन नहीं दिया? अगर दिया है तो उससे संतुष्ट नहीं हुए होंगे वीरभद्र सिंह का परिवार जी, विक्रमादित्य सिंह, ये सवाल बड़ा। कमल, आपने ठीक कहा, बागियों की फेरिस्त में अभी नहीं रखा जा सकता विक्रमादित्य सिंह को। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कमल, बागियों की फेरिस्त में वो नहीं आए हैं, लेकिन गेंद उन्होंने आलाकमान के पाले में डालकर और मंत्री पद से इस्तीफा देकर एक बारीक सी लाइन से बस डिस्टेंस को कम जरूर कर लिया है। आपने ठीक कहा, प्रेशर पॉलिटिक्स और सही वक्त पर क्या ये सही फैसला साबित होगा उनके लिए, ये भी एक बड़ा फर्क डालेगा आइंदा वक्त में। कमल, हमारे साथ प्रदीप ठाकुर भी जुड़ चुके हैं शिमला से, हमारे ब्यूरो हेड, उनसे जानते हैं आखिर शिमला में क्या कुछ चल रहा है। प्रदीप, पंचकुला से कांग्रेस के बागी विधायक रवाना हो चुके हैं शिमला के लिए, आप बताइए वहां क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर शिमला की बात करें तो राजनीतिक हलचल यहाँ पर बढ़ गई है और जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अभी हुआ है जिसको लेकर अभी तक कोई उम्मीदें नहीं थी, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और कुछ देर में अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, ये एक बड़ा ऐलान हुआ है और हम कह सकते हैं कि एक तरह से बागी तेवर दिखाए हैं यहाँ पर और हाईकमान को भी सचेत किया है कि अगर ठीक नहीं हुई चीजें तो आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। हालांकि इन्होंने अपने बयान में दूर कहा, जब इनसे पूछा भी गया कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या अगर आप पार्टी में ही क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन यानी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो तो क्या चीजें बन जाएंगी, तो इनका सीधा सा जवाब उसमें ये था कि मुझे मेरी लक्ष्मण रेखा मालूम है कि कहां तक मैंने बोलना है और क्या बात बोलनी है। फिलहाल जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही थी कि गेंद जो है हाईकमान के पाले में फेंकी गई है कि अब हाईकमान इसमें क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक केंद्र की तरफ से भेजे गए हैं, पार्टी नेतृत्व की तरफ से भेजे गए हैं, उनसे उनके आने से पहले जिस तरह का ये बयान यहाँ पर आता है, 2 विधायक भी उनके साथ मौजूद रहते हैं, सीपीएस यहाँ पर मोहनलाल बरागटा और उनके साथ साथ नंदलाल विधायक हैं रामपुर के, तो ये भी उनके साथ मौजूद रहते हैं क्योंकि इनको हरलौज कैंप से ही जोड़कर देखा जाता है, तो 3 लोगों की ये एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ी बातें कही गई है उसमें एक आरोप इन्होंने हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ही लगाया है कि एक साल में वित्तीय मिसमैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट सरकार में हुई है, ये इन्होंने आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि सरकार में मुझे और मेरे विभाग को अपमानित करने की कोशिश की गई और मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं, खुलके में बोलने वाला व्यक्ति हूँ, एक साल में विधायकों की अनदेखी भी हुई है, ये भी एक बड़ा आरोप लगाया इन्होंने। और ये भी कहा कि हमने कई बार हाईकमान के समक्ष ये बातें रखी लेकिन हाईकमान ने भी उसमें कुछ भी नहीं किया, कोई हाईकमान ने बात नहीं सुनी है। और अपने पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जिक्र करते हुए, हालांकि उस वक्त भावुक भी हो गए थे विक्रमादित्य सिंह, और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है उस व्यक्ति के लिए रिज मैदान पर प्रतिमा लगाने के लिए 2 कद जमीन तक नहीं उपलब्ध करवा पाई सरकार, और क्या उसके पीछे की वजह रही ये वही जाने, लेकिन ये चीजें हुई है। प्रदीप, विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में किसी तरह की कोई सरगर्मी है क्या, हाउस में स्पीकर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई और एक्टिविटी? बिल्कुल, देखिए अभी अगर बात करें तो क्योंकि सदन की कार्यवाही अभी शुरू हुई है तो अभी की अगर बात करें तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विक्रमादित्य सिंह भी सदन की तरफ गए हैं, लेकिन कोई बड़ी डेवलपमेंट फिलहाल नहीं हुई है। आज को लेकर यही है क्योंकि शुरू में प्रश्नकाल चलना है और उसके बाद जब कट मोशन आएंगे उस वक्त जो स्थितियां हैं उस वक्त कई चीजें बाहर आ सकती है। जी प्रदीप, इस तरह की भी खबरें मिली हैं अभी कि बीजेपी के कुछ विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी है क्योंकि हाउस अभी शुरू ही हुआ है और अभी देखना ये होगा किसमें और कुछ क्या निकलकर सामने आता है। तो विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका रुख करते हैं लगातार हिमाचल प्रदेश से तमाम राजनीतिक अपडेट लेने के लिए।
फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी राजनीतिक हलचल एक और हुई है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ा अपडेट है इस वक्त का। हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, ऐसा हिमाचल में पहले कभी नहीं हुआ जब अपनी ही सरकार को, अपने ही बागी विधायकों ने गिराया हुआ। एक बार कोशिश की गई थी 1998 से 2003 के बीच, जब बीजेपी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे और शांता कुमार गुट के 6 से 8 विधायकों ने बागी होकर खेल खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन कमल, उस वक्त केंद्र में वाजपेयी सरकार थी, वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने मिलकर यहां हालात को संभाल लिया। तो खास बात यह कि उस वक्त बीजेपी के प्रभारी हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी थे। उस वक्त इस अंदरूनी बगावत को मैनेज कर लिया गया था, लेकिन अभी सूरत हाल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। कमल, अभी तो ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार से ज्यादा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी को ज्यादा खतरा है। कमल, ये बहुत कुछ अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हो रहा है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के विधायकों को निष्कासित किया गया है और यह संख्या ज्यादा है, कम नहीं है, ऐसी जानकारी मिल पाई है। और ये लगभग 5 मिनट में सब खेल हो रहा है। बड़ा खेला वाकई में हो गया हिमाचल प्रदेश में। और ऐसा होता है, आप देखिए आगे आगे होते क्या क्या होता है। ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया है कि आगे आगे देखिए क्या होता है। 14 महीने में ऐसा क्या हो गया, इस सरकार से इतनी नाराजगी क्या हो गई। लोगों की बातों के आधार पर सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं। ये भी जनता साफ तौर पर देख पा रही होगी। एक जनता को चुना, 5 साल के लिए चुना, 1 साल में उसको इतने नंबर दे दिए, इतना नेगेटिव सरकार के खिलाफ हो गए कि जनता का नाम ले लेकर क्या वाकई में ऐसे बागी होया जा सकता है? क्या वाकई में बागी विधायक सरकार को गिरा सकते हैं? क्या विक्रमादित्य सिंह जो बात कह रहे हैं ये उनके मन की पीड़ा 14 महीने में सामने आ गई, पहले कभी सामने नहीं आई है। इस तरह के सवाल अब कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने, सुखू सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड 1 साल का पेश किया उसमें कुछ भी नहीं है। जनता से जो किए गए वायदे थे वो लोक लुभावन वायदे थे, जनता को धोखे में रखा गया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। विक्रमादित्य सिंह ने सबको आज हैरान कर दिया है। उन बागी विधायकों से ज्यादा किसी ने अगर मुमताज हैरान किया है तो विक्रमादित्य सिंह वो नाम है। किसी को नहीं मालूम था आज का दिन सदन की कार्यवाही से पहले विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे देंगे, मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और ये कहेंगे कि आला कमान को ये देखना है, वीरभद्र सिंह के नाम से वोट बटोरे गए, ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। कांग्रेस पार्टी पर भी सवालिया निशान ये तो लगाया गया है। क्या उनकी नाराजगी ये थी कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्या उनकी नाराजगी ये थी कि उनको बड़ा पद नहीं दिया गया, एक मंत्री दे दी बता दिया गया, लेकिन डिप्टी सीएम क्या उनको बनाया जाना चाहिए था? ये उनकी नाराजगी है क्या? ये सवाल है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं और ये जनता के बीच भी जरूर उठ रहे होंगे। जो हमें कोई जमाइए कमल की ये पत्थर पर पड़ी आखिरी चोट थी जो विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर दिखाई है या जाहिर की है। इससे पहले की चोटें कमजोर कर चुकी थी पूरे सिस्टम को। इस बीच बड़ा अपडेट दे रहे, विधानसभा स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा से बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की कमाल सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हिमाचल की राजनीति पर, यह सबसे बड़ी खबर अभी। और जैसे कि आपने कहा, हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ बड़ा सियासी तौर पर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। जयराम ठाकुर भी सदन से बाहर है। विधानसभा स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। कमल, ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा, हर लम्हे कुछ बड़ा हो रहा है और आखिर ये सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में आखिर में किस तरह की तस्वीर दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा आगे देखिए क्या क्या होता है। और उन्होंने सवाल भी उठाया, 14 महीने में आखिर ऐसा क्या क्या हुआ कि हिमाचल की सरकार संकट में आ गई। तो ये बड़ा अपडेट है आपको इस वक्त का जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा से दे रहे हैं। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और उन्होंने अपनी 14 महीने की नाराजगी का इजहार बेहद जज्बाती होते हुए किया। उन्होंने कहा कि विधायकों की अनदेखी की जा रही थी, मुझे पद से मोहब्बत नहीं है, मुझे रिश्तों का ख्याल है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी को तमाम चीजें बता दी गई है, अब गेंद आला कमान के पाले में है, लेकिन ये जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने की है। कमल, आपका रुख करेंगे यहाँ। जैसे कि आपने जिक्र किया था, विधानसभा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, स्पीकर ने बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड किया है। और इस बीच एक बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सामने आया कमल, कि अभी देखिए क्या क्या कुछ होना बाकी है। कमल, देखिए ये जो बात है, ये बात ये कहती है कि जो स्पीकर
की कार्यवाही का डर था बीजेपी को, वही हुआ। राज्यपाल से मुलाकात क्यों की गई, यही तो एक रीजन था, एक कारण था कि राज्यपाल को कहा जाए कि आप आइए और जो स्पीकर करने वाले हैं उनको रोकिए, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया जिसका डर बीजेपी को था। उन्होंने निष्कासित कर दिया है बीजेपी के विधायकों को, स्पीकर की तरफ से ये कर दिया गया है जी। राजेंद्र राणा का एक बयान कोट करना चाहूंगा, मुमताज बहुत अहम है, दर्शक जानना चाहते होंगे। राजेंद्र राणा ने कह दिया है कि कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, हम वापस आ सकते हैं, मुख्यमंत्री को हटा दो, आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दो, हम वापस आ जाएंगे, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, अभी तक का अपडेट ये है, यानी कि उनकी नाराजगी किससे है, सुखविंदर सिंह सुक्खू से साफ दिखाई दे रही है। नाम नहीं लिया लेकिन बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया गया कि मुझे अपमानित करने का काम किया गया है, ये विक्रमादित्य सिंह ने बात की है। दो गज जमीन मेरे पिता के लिए मुझे नहीं दे सकते, ये बात उन्होंने कही है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बताती हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर सवाल उठाना एक मुद्दा बना दिया गया है, कांग्रेस आला कमान को इस समय संकट में डाल दिया गया है। बिल्कुल कमल, अभी तक की चर्चाओं से यही समझ में आता है जिसका जिक्र कमल हमने पहले भी किया कि दरअसल सरकार से दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की सरकार से दिक्कत नहीं है, यह मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बीजेपी के साथ हुआ था 1998 से 2003 के बीच। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व से दिक्कत है और ये दिक्कतें पिछले तकरीबन 14 महीने से लगातार चली आ रही थी, अपने अपने अंदाज में उसको बयान भी किया गया था। लेकिन कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है और इस चीज के लिए ये वक्त चुना गया उन सभी नाराज विधायकों की तरफ से, उन सभी नाराज कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व से हरगिज खुश नहीं थे। कमल, कोशिशें पहले भी हुई लेकिन ये कोशिश दमदार सी साबित हो रही है। खबर, एक बड़ा अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहूंगा, 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, ऐसी जानकारी मिल पाई है क्योंकि अभी तक निष्कासित किए गए थे बीजेपी के विधायक और लगातार जानकारी अपडेट हमारे साथ दर्शक देख सकते हैं। और साथ ही हिमाचल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों के निष्कासन के बाद मार्शल बुलाए गए, ऐसी जानकारी मिल पाई है, और जबरन बाहर निकालने की कोशिश की गई, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। कल भी ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे और हंगामा खूब हुआ है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 बजे तक के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्थगित कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिली है। अपडेट हम लेंगे, हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ेंगे कुछ देर बाद, उनसे हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हंगामा क्योंकि हो रहा है, प्रदीप ठाकुर तस्वीरें कैद करें अपने कैमरे में और साथ ही जानकारी देंगे हमें कुलदीप पठानिया जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और ये जो हंगामा है ये टॉलरेट नहीं हो पा रहा था और ज्यादा हो रहा था, मार्शल बुलाए गए, ऐसी जानकारी मिल पाई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुमताज। बिल्कुल ठीक कहा आपने कमल, मार्शल्स को बुलाना पड़ा जबरदस्त हंगामे के सबब, और अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल की राजनीति से जुड़े ये तमाम बड़े अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी सदन से सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंशन की इस कार्रवाई के बाद फिर जबरदस्त हंगामा हुआ हाउस के अंदर, फिर मार्शल्स को बुलाना पड़ा और फिर स्पीकर ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। जैसे कि मेरे साथी कमल ने बताया, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है, हमारे सभी साथी सभी मोर्चों पर डटे हुए हैं और हर एक लम्हे के तमाम अपडेट आप तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही। तो बड़ा अपडेट है, हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इस बीच कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। यहाँ पंचकुला से सभी बागी विधायक रवाना हो गए शिमला के लिए। इस बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इधर बीजेपी के 12 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया स्पीकर के द्वारा। फिर उसके बाद सदन में हंगामा हुआ और हाउस में इस हंगामे के चलते मार्शल्स को बुलाना पड़ा और अब आखिरकार सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कमल, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, हर लम्हे के अपडेट हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। कमल, ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की ये राजनीतिक हलचल अगले कुछ मिनट में या कुछ घंटों में बड़ी शिद्दत के साथ तेज होने वाली है। देखिए, अब तो बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। आपने ठीक कहा था कि इस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदलेंगे और पल पल के बाद तस्वीर बदलेगी हिमाचल की राजनीति की, हमने सोचा नहीं था। सुबह से लगातार खबर पर बने हुए हैं, कल रात से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, शाम से हमने बहुत कुछ बताया, कल दोपहर को हमने मुमताज बता दिया था कि हिमाचल की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है और उसका एक एग्जाम्पल था राज्यसभा चुनाव, एक सीट पर चुनाव। किसको मालूम था कि ये पूरी सत्ता पर ही संकट आ जाएगा और ये एक तरह से प्रेशर धीरे 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 समय को देखकर बनाया गया। जैसे समय बदला, विक्रमादित्य सिंह ने इस समय को भापा और अगर कोई सोच रहा है
कि सत्ता एकदम से पलट जाएगी। अगर ये दर्शक भी हमारे सोच रहे हैं तो मैं पूरा गणित अपनी जुबानी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, दर्शक जानना चाहते होंगे अब क्या होगा, मैं बताता हूँ। 12 बजे तक की कार्यवाही स्थगित हो गई, उसके बाद अपडेट आएगा, उसके बीच में ये चर्चा हम शुरू करने वाले हैं। मुमताज, आप बखूबी जानते हैं दल बदल कानून है, दल बदल कानून के तहत ये इतना आसान नहीं है कि बीजेपी आएगी सदन में, बागी विधायक आएंगे, वोट कर देंगे। नहीं, उनको वोट करने की इजाजत नहीं होगी क्रॉस वोटिंग के लिए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव पर यह दल बदल कानून नहीं लागू होता, बाकी जगह लागू होता है। अगर विधानसभा में आप जाते हैं वहां पर दल बदल कानून लागू होता है। 14 विधायक चाहिए बीजेपी को, एक तिहाई विधायक चाहिए। अगर कांग्रेस के एक तिहाई विधायक बीजेपी के पाले में जाते हैं, सत्ता पलट जाएगी, जो महाराष्ट्र में हमने देखा जब वहां पर शिवसेना के विधायकों ने किया, यहां तक कि एक अलग ही दल बन गया था। अगर यहां पर कांग्रेस के 14 के करीब विधायक जाते हैं, एक तिहाई मान लीजिए, अंदाजा हो जाएगा दर्शकों को, आप निकाल लीजिए पूरा गणित, अगर वो विधायक जाते हैं तब तो बीजेपी के पास ही मौका होगा कि आप सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि यहां तो बीजेपी के विधायक निष्कासित कर दिए गए। वोटिंग की आप डिमांड कर रहे हैं, फ्लोर टेस्ट की आप डिमांड कर रहे हैं, राज्यपाल पर डिपेंड करता है। राज्यपाल राजभवन से खबर आने वाली है शाम तक, दोपहर तक या थोड़ी देर तक राजभवन से कोई ना कोई खबर आएगी, कोई ना कोई ऐसी खबर आएगी, क्योंकि सुबह ही जयराम ठाकुर गए हैं राज्यपाल से मुलाकात के, उनको मालूम था स्पीकर ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नेता है, उन्होंने सरकार चलाई है, उनको मालूम था जो राजनीतिक घटनाक्रम हमने कई राज्यों में देखे हैं, और ये कोई नया राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बना है। पूरे देश की बात करें, हिमाचल में हो सकता है, लेकिन पूरे देश में ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एग्जांपल बार बार मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, वहां पर क्या हुआ, बिहार में आपने देखा वहां पर क्या हुआ, हालांकि गठबंधन सरकार वहां से उन्होंने। कमल, इस बीच कमल एक सवाल है मेरा आपसे, बहुत अहम सा ये सवाल है कमल, बहुत वक्त से मेरे जहन में है कि मैं आपसे इस पर चर्चा करूं, और वो ये कमल कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या वाकई इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाए, वो बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि जब उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी तभी से ये मालूम था कि वीरभद्र परिवार को लगता था कि कांग्रेस की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तो सिर्फ वही लोग बने हैं, और मुख्यमंत्री ये भी जानते थे कि बहुमत का जो ये आंकड़ा है, अक्सरियत का जो आंकड़ा है जिसके साथ उन्होंने सरकार बनाई है, ये बहुत नाजुक है, ऐसे में हर किसी को बैलेंस करके चलना लाजमी था, और इसी बैलेंस में बस उनसे चूक हो गई। कमल, ये बैलेंस पहले दिन से मुमताज बिगड़ा हुआ था, और आप इतिहास में जाएंगे थोड़ा सा, आप पे कुछ सालों पहले जाकर देखेंगे तो वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच की केमिस्ट्री देखिए, वो नहीं बनती थी। वीरभद्र सिंह के समय से ये सब कुछ चल रहा था, कुछ ऐसी बात हुई थी जो राजनीतिक अनबन में बदल गई थी। वीरभद्र सिंह परिवार की सुखविंदर सिंह सुक्खू से डायरेक्ट नहीं बनती है, ये भी पहले दिन से बात थी। आपको याद होगा जब उन्होंने शपथ ली थी, बेशक उन्होंने कोशिश की हो कि प्रतिभा सिंह का आशीर्वाद लिया जाए, प्रतिभा सिंह को साथ में खड़ा किया जाए, विक्रमादित्य सिंह को साथ में खड़ा किया जाए, लेकिन ये दिल मिलने वाली बात नहीं थी कि दिल नहीं मिले, मन बेशक एक दूसरे के साथ मिल गए कुछ देर के लिए, या पॉलिटिकल डील कुछ हो गई हो कि विक्रमादित्य सिंह को एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए। आप चाहे मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष वो थे, प्रदेश अध्यक्ष थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उस दौरान की बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया मुकेश अग्निहोत्री को, कुछ लोग कह रहे थे सीएम पद के दावेदार तो वही सही है, उस समय भी इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने बैलेंस बनाया ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को क्यों बनाए रखा, इसलिए बनाए रखा वीरभद्र सिंह के परिवार को तवज्जो मिली और पूरे हिमाचल प्रदेश को एक संदेश जाए कि संगठन की कमान किसके पास है, सरकार की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, तो संगठन की कमान वीरभद्र सिंह परिवार के पास है, ये मैसेज देने का प्रयास किया गया। एक बात की और गारंटी यहां पर राजनीतिक पंडित दे रहे मुमताज, विक्रमादित्य सिंह अगर पार्टी छोड़ते हैं, सवाल है विक्रमादित्य सिंह पार्टी छोड़ते हैं और विधायक भी बागी हो सकते हैं, ये सूत्र बताते हैं। विक्रमादित्य सिंह और वीरभद्र सिंह परिवार के पास वो शक्ति है, वो पावर है, वो ताकत है, वो जनाधार है। वीरभद्र सिंह का जिक्र किया है और एक भावनात्मक पहलू को छेड़ दिया है विक्रमादित्य सिंह ने, रिज मैदान पर 14 महीने में प्रतिमा आपने नहीं लगाई, ये भावनात्मक पहलू छेड़ा है विक्रमादित्य सिंह ने, ये मैसेज दिया है वीरभद्र सिंह का जो जनाधार है उनके वोटर्स तक पहुंचाया है कि देखिए कांग्रेस की सरकार सत्ता में है 14 महीने से, मुख्यमंत्री है, रिज पर प्रतिमा नहीं लगाई, दो गज जमीन आप नहीं दे गए, ये सवाल उठाकर इस्तीफा दे देना, सवाल उठता है क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार विक्रमादित्य सिंह भी है, और इसलिए इमोशंस इसलिए भी मायने रखते हैं कमल, क्योंकि इस्तीफा दे के जब जज्बाती होके तमाम बातें विक्रमादित्य सिंह ने कही तो उससे पहले ये ऐलान हो चुका था कांग्रेस आला कमान की तरफ से कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बदला जाएगा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए आपने जो बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स शायद अब काम आ जाए। कमल, एक और खास बात है इस पूरे एपिसोड में, वो ये कि वो जो तमाम छह विधायक बागी हुए कमल,
उन सबको राजनीतिक तौर पर वीरभद्र सिंह ने ही अपनी छत्र छाया में पाला पोसा था और उन सबको ये बात शुरू से नागवार गुजर रही थी। और जब कल राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही थी तब प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे तब भी कमल कल मैंने और आपने चर्चा की थी कि इस तरह के अंदेशे थे कि पहले से इस तरह की बातें कर रहे अगर बागी नहीं हुए तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि नाराजगी तो है लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कमल, बिल्कुल, ये जो बयान दिए गए हैं उनके मायने, और इसलिए हम दर्शकों को हमेशा कहते हैं कि बयानों के मायने आप समझिए। जो राजनीति चल रही है हिमाचल प्रदेश में, ये आज एकदम से नहीं हुई है, इस तरीके से आगे बढ़ा गया है ताकि एकदम से बूम हो और एकदम से अगर पॉलिटिकल मूव करना पड़े तो समय देखा जाएगा। ये समय आ गया था। विक्रमादित्य सिंह का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि फर्क उनसे ज्यादा पड़ता है। सुबह सुबह खबर आई थी कि केंद्रीय आलाकमान कांग्रेस का ये बता रहा था कि हम सख्ती करने वाले हैं, हम कार्रवाई करेंगे विधायकों पर। उनको फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि दल बदल कानून में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि उनकी तरफ से अगर कोई भी मूव किया जाता, अगर बीजेपी की तरफ वो वोट करते वो मान्य नहीं होता तो वो दिक्कत परेशानी के लिए शायद ना हो। उनके लिए चुनौती थी 34 विधायक बाकी जो बचे हैं उनको साथ रखना। उसमें से क्या विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी जो बताती है कि वो 33 हो गए, क्या उसके नीचे और हो सकता है? हाँ। ये सवाल इस समय चर्चा का असल विषय अब है। आपने बयान की बात करी, ये बयान पहले प्रतिभा सिंह खुलकर बहुत बार कह चुकी थी, वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं थी। दिल्ली जब जब गई है, मीडिया से मुखातिब हुई है, तब तब उन्होंने बातों ही बातों में कमियां गिनवाई थी सुखू सरकार की। मैं फिर कहूंगा कांग्रेस सरकार नहीं, सुखू सरकार की। राजेंद्र राणा का बयान कोट कर लीजिए, उसमें भी उनकी तरफ से कहा गया है एक माहौल सुखू के खिलाफ बना दिया गया है। कांग्रेस आला कमान के सामने ये इमेज बना दी गई है कि सुखू इनकॉम्पिटेंट है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, विधायकों को कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे, उनके कामकाज नहीं हो रहे, वो सुनवाई नहीं कर पा रहे, गारंटियां दी गई थी उन पर काम नहीं हुआ है। एक गारंटी को पूरा करने के बाद एक साल बाद आप कहते हैं कि हम गारंटी पर काम कर रहे हैं, बाकी गारंटियों का क्या है? अच्छा कमल, आपको क्या लगता है कांग्रेस आला कमान ने बड़ा फैसला तो पहले कर दिया कि सीएम का चेहरा नहीं बदलेंगे, अगर कांग्रेस आला कमान अपने इस डिसीजन को रिव्यू करे, इस पर नजरेसानी करे कि सुखविंदर सिंह सुखू के अलावा कोई और चेहरा ऑप्शन हो सकता है बतौर मुख्यमंत्री, क्या लगता है आपको ये जो तूफान उठा हुआ है ये किसी हद तक थम सकता है? कमल, कांग्रेस की तो फिलहाल कोशिश यही होगी, ये तूफान जो राजनीतिक तूफान आया हुआ है इसको थामा जाए, इसको रोका जाए। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, केंद्रीय आलाकमान के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। विक्रमादित्य सिंह से बातचीत करने के अलावा, प्रतिभा सिंह को दिल्ली बुलाने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। अगर आपको सरकार बचानी है, छह विधायकों को पीछे छोड़िए, पहले विक्रमादित्य सिंह से बातचीत कीजिए, आप सबको पीछे छोड़िए, प्रतिभा सिंह को बुलाइए दिल्ली या खुद आइए। ऑब्जर्वर आपके आ ही रहे थे, उससे पहले ये खेल हो गया, एक और ऑब्जर्वर बात ही नहीं कर पाए होंगे। भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भेजने की बात चल रही थी, देखिए शिवकुमार को जिम्मेदारी दी गई, आप ये देखिए कहां है ऑब्जर्वर, ये जानकारी तक नहीं आई थी अभी तक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई, स्थगित हो गई, निष्कासित बीजेपी के विधायक की कर दिए गए, ये जानकारी मिल पाई। विक्रमादित्य सिंह ऐसा खेल कर देंगे किसी को मालूम तक नहीं था। कांग्रेस आला कमान के पास सिर्फ अभी समय इतना ही है, विक्रमादित्य सिंह को मनाइए, कंडीशंस क्या है वो बंद कमरे में बताएंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बताएगा, ना कांग्रेस आला कमान बताएगा उन्होंने क्या कहा है, ना विक्रमादित्य सिंह बताएंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हर नेता ये कहता है मुझे पद का लालच नहीं है, लेकिन लालच क्या है ये सब जानते हैं। लालच किसका है ये सब जानते हैं, बीजेपी का लालच भी, कांग्रेस का लालच भी, विक्रमादित्य सिंह का लालच भी, और छह विधायकों का जो बागी हुए उनका लालच भी। कमल, इस बीच एक स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर ने दी, कमल मैं उस पर चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। अनुराग ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दी अभी अभी आपसे चंद मिनट पहले की अभी आगे आगे देखिए होता क्या है, और हम आप सब जानते हैं कमल के जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी से ज्यादा महारत और किसी को नहीं, तो क्या ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? सब धीरे धीरे काम होता है, लेकिन जब परवान चढ़ता है उसके बाद खुलासा होता है, और बीजेपी के जो विधायक है वो संतुलित है, वो डिसिप्लिन में है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी को अपने विधायकों की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, इसके पीछे के कारण क्या है मैं और आप ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। हाँ, दूसरे मुद्दे पर मैं जाना चाहूंगा, कांग्रेस की बात करना चाहूंगा। राजेंद्र राणा का बयान सामने आया था 3 से 4 दिन पहले, आप ये सोचिए मुमताज, आपके एक विधायक खुले तौर पर जब पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक सामने हो वो ये कह दे कि मेरा मंत्री में नाम आता है काट दिया गया, ये किस पर आरोप लगा रहे थे? बातों में सुखविंदर सिंह सुखू पर ही तो आरोप लगा रहे थे, मुख्यमंत्री तो वो है, टीम तो उनको चुननी है, नाम तो वही देंगे, आला कमान तक नाम पहुंच गया,
काटा किसने, ये बात वो आरोप लगा रहे थे। बीजेपी में जाने के संकेत आज से नहीं दिए गए थे, चार दिन पहले, मैं फिर कह रहा हूं, चार से पांच दिन पहले राजेंद्र राणा कांग्रेस के विधायक ये बात कह चुके थे कि मैं बीजेपी में जाने का सोच सकता हूं। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप अपने विधायकों से बात नहीं कर रहे हैं, बस एक बयान दे रहे हैं, नहीं सब कुछ ठीक है, सारे विधायक अपने आपके साथ हैं, आपके साथ डिनर करते हैं, राज्यसभा का चुनाव एक दिन पहले छह विधायक डिनर करते हैं आपके साथ, कहते हैं आपके साथ हैं, सुबह तीन विधायक उनमें से पता नहीं कहां चले जाते हैं, तीन विधायक नाश्ता करते हैं। सिंघी साहब का कोट कर रहा हूं मैं बयान, जी बिल्कुल, क्योंकि हारे हैं, उन्होंने ये कहा कि नाश्ता मेरे साथ किया तीन विधायकों ने और मुझे सबक मिला है। वो शाम होते होते वोटिंग करते करते दोपहर तक बीजेपी के पाले में चले जाते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को जिता देते हैं। बीजेपी ने जिताया हो नहीं जिताया हो, लेकिन छह कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा सीट जितवाई बीजेपी को। मैं ये कहना चाहता हूं उनके बिना ये संभव ही नहीं था। राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस ने गवाई है, वो पीछे बात चली गई है, कांग्रेस आलाकमान को उस बात को पीछे छोड़ देना है। कांग्रेस को अब सरकार बचानी होगी, बिल्कुल, हिमाचल में सरकार बचानी है तो एक तिहाई विधायकों को संभालिए, उन एक तिहाई विधायकों को जिनको आपको लगता है कि एक कांग्रेस से नाराजगी जाहिर कर रहे होंगे या सुखविंदर सिंह सुक्खू से इनकी नाराजगी होगी, एक एक विधायक को मिलना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ये लग रहा है कि अब वो जो आपने रिजोर्ट पॉलिटिक्स देखी होगी मुमताज, ये हो सकता है ये खेल शुरू भी हो गया हो, कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया हो, कांग्रेस आलाकमान से संदेश चला गया हो, जितने आपके विधायक है जितने आए सबको इकट्ठा कीजिए, एक जगह एक होटल में रखिए या कहीं भी ले जाइए, ये देखना पड़ेगा कि ये होने वाला है कि नहीं होने वाला। आसपास तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, हो सकता है हमारी पार्टी की भी पंजाब में बात करके मदद ली जाए कि वहां पर होटल में ठहरा दीजिए, क्योंकि ऐसा ही तो हमने देखा है, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, ऐसा हो सकता है। नहीं तो की बात आई तो पंजाब में आम आदमी पार्टी, हरियाणा में तो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, राजनीति में तो आप किसी संभावना से रात को कहां पर विधायक आए, पंचकुला आए, रात को बाग विधायक कहां पर आए, पंचकुला बीजेपी आए, उनको क्यों लाया गया, ताकि कोई उनसे संपर्क ना कर पाए। आर सी एम सुक्खू ने तो ये तक कहा कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान कांग्रेस के छह विधायकों को अगवा करके लेकर गए थे या यहां से लेकर गए थे, ये भी उन्होंने कहा, तो किसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर कमल, शुरू में जो ये तमाम चर्चाएं थी कि कांग्रेस के विधायक शायद इसलिए नाराज थे कि बाहरी उम्मीदवार थे अभिषेक मनु सिंघवी, ये तो बस ट्रेलर था, ये तो निकलकर 14 महीने की नाराजगी इस तरह से सामने आ रही है, जो एक साथ से गुस्सा फूट पड़ा है, नाराजगी सामने आई है, कांग्रेस के लिए तो ये बड़ी मुसीबत बन गई है। अब जो गए उससे ज्यादा तवज्जो कांग्रेस की इस बात पर है कि जो बाकी बचे हैं कम से कम वो अपने दायरे में रहें, उन्हें संभाल कर रखा जाए, और ये होश बहुत देर से संभाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कांग्रेस पार्टी को एक बात पर ध्यान रखना होगा, 34 विधायक थे कल तक रह गए थे, जो कि क्रॉस वोटिंग के बाद हम देखे तो नाराजगी थी, 40 कुल विधायक, 6 आपके नाराज हैं, 34 बचे हैं, विक्रमादित्य सिंह 34 में से थे वो भी नाराज, 33 बचे हैं, बहुमत का आंकड़ा 35 का है। एक बार मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा, जो मौजूदा स्थिति है वो एक बार स्क्रीन पर दिखाए, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो मौजूदा स्थिति है जिसमें 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के 25 विधायक, 15 का गैप था, पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को, उसके बाद अन्य 3 समर्थन दे रहे थे, जो भी सत्ता में आती है अन्य इंडिपेंडेंट समर्थन दे देते हैं, उसके बाद आपके पास आंकड़ा होता है टोटल 68 का, 40, 25, 3, लेकिन 6 विधायक छिटके यानी कि नाराज हुए, 34। अब विक्रमादित्य सिंह नाराज है तो इसको एक माइनस करके देखिए आप, सिर्फ माइनस करके देखिए, पार्टी नहीं छोड़िए, 33 विधायकों को भी संभाल कर रखना होगा। ये बड़ी चुनौती मौजूदा स्तर पर है। विक्रमादित्य सिंह से 1-to-1 आप बात करेंगे, सबसे आला कमान 1-to-1 बात नहीं कर सकता, ये आपको अगर आपको उनको संभालना है तो मुख्यमंत्री को अपने स्तर पर, मुकेश अग्निहोत्री जिनके साथ दुखद घटना हुई थी वो ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है क्या हुआ था उनके परिवार में, उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ था, क्योंकि वो ज्यादा बयान भी नहीं दे पा रहे, उनकी सक्रियता कम है, लेकिन उनमें इतना दम था, वो विधायकों को साथ में रखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो किसी कारणवश अपने परिवार के दुखद कारणवश वो कहीं पर बिजी नहीं हो पाते हैं राजनीति में, वो अपने घर पर ही होंगे, उनका बयान कोई सामने नहीं आया, मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ऐसे नेता है जिनको ये एक्सपीरियंस है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष होने का तमगा उनको हासिल है हिमाचल प्रदेश में, उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन उस समय भी गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी थी, वीरभद्र सिंह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की बनती नहीं थी, यही कारण है कि वहां से जो राजनीतिक उठापटक थी या वहां से जो अनबन थी वो आते 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 2024 तक आ गई, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा,
कांग्रेस पार्टी को, गुटों में बटी कांग्रेस, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो और अन्य कोई राज्य हो, राजस्थान आपने देखा वहां पर क्या हुआ, तो सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, आज के लिए कहते हैं, गुटों में विधायक बट गए और ये विधायक वो विधायक है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज है। राजेंद्र राणा का तो नाम मैं खुलकर ले सकता हूँ, उन्होंने अपनी जुबानी बता दिया है। बाकी विधायक सुधीर शर्मा, आपको क्या लगता है वो नहीं नाराज होंगे आलाकमान से? क्या वो उनके निर्णय से नाराज नहीं होंगे? सुधीर शर्मा एक बड़े नेता है, कांगड़ा से आते हैं, कांगड़ा बड़ा प्रतिनिधित्व रखता है अपने आप में हिमाचल की राजनीति में। आरोप ये लगा कि कांगड़ा को नजरअंदाज किया गया और सुधीर शर्मा को नजरअंदाज किया गया, वो भी उन्हीं में से आते हैं जो नाराज विधायक हैं। दो ऐसे विधायक तो मैंने गिनवा दिए हैं, इसके अलावा बाकी विधायकों का आप बैकग्राउंड जांचेंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं ऐसा बैकग्राउंड है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी झलकी है। अब सभी को ना तो यहां पर आप संसदीय कार्य मंत्री बना सकते हैं, ना तो आप सभी को मंत्री बना सकते हैं, एक लिमिट है। लेकिन बाकी नाराज विधायकों को आप कैसे बनाएंगे, चेयरमैन कितनों को बनाएंगे, कितनों को जिम्मेदारी देंगे, यही तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति सुक्खू सरकार के सामने थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्या हटाया जाएगा, ये सवाल है। क्या कांग्रेस की सरकार जाएगी हिमाचल प्रदेश से, ये सवाल है। क्या बीजेपी सत्ता में आ सकती है, ये सवाल है। अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ कहा है हिमाचल के राजनीतिक संकट पर, सुनते उन्होंने क्या कहा। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपए महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीने में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहां पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि 14 महीने में आखिर कैसे ये सब क्या हुआ कि संकट में आ गई है हिमाचल की कांग्रेस सरकार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अपने ही लोग खुश नहीं है, जनता तो खुश है ही नहीं, कांग्रेस के अपने नेता भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और इसी के चलते आज ये बड़ा सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार पर खूब बरसते नजर आए अनुराग ठाकुर। उन्होंने ये भी कहा कि अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। तो हिमाचल में है कांग्रेस की सुक्खू सरकार, अभी अब देखना होगा कि आगे क्या सूरत हाल होती है। फिलहाल आपको ये तमाम बड़े अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। आपको ये बता दें कि हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और अब विधानसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया। बीजेपी के 14 विधायकों को इस बीच सस्पेंड भी किया गया सदन से। और आपको बता दें कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। अब कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है, निहायत ही जरूरी है कांग्रेस के लिए इस हालात को संभालना। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कदम लिए जाते हैं, आगे क्या होगा कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश में बचाने के लिए।
इस बीच कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि जनता के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गेंद अब आला कमान के पाले में है। प्रियंका गांधी को तमाम सूरत हाल बता दी गई है, अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। इस बीच बड़ा अपडेट यह भी मिला कि सदन से बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया। स्पीकर ने बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड किया। जयराम ठाकुर, रणधीर शर्मा, विपिन परमार, लोकेंद्र कुमार, इन सभी विधायकों को सस्पेंड किया गया सदन से। और हमारे साथ बीजेपी नेता करण नंदा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख करेंगे। करण जी, मेरी आवाज मिल रही होगी आपको? हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसी पर सबकी चर्चाएं आकर रुकी हुई हैं। कल से लेकर अब तक हर एक लम्हे कुछ ना कुछ नया हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। क्या लगता है करण जी आपको, इस तमाम सूरत हाल में अगले कुछ घंटे कैसे होंगे हिमाचल प्रदेश में? सीधे तौर पे कल भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है और से स्पष्ट हो गया है कि 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के शुद्ध रूप से टूट चुके हैं। अभी कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में इनकी तरफ से भूपिंदर हुडा और आपके डीके श्रीनिवासन जो है वो पहुंच चुके हैं और वो जो है अभी सेशन में है, रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस था और अब एक डिवाइडेड गवर्नमेंट बनने वाली है। अभी 1.5 घंटा पहले इनके मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो मीडिया के आगे अपना रेजिग्नेशन दिया है एंड ही हैज रिजाइंड फ्रॉम दी बर्थ ऑफ मिनिस्टर, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप देखिए अंतरकला किस प्रकार बढ़ रही है। अब ये नौबत आ गई है कि इन्होंने हटकंडे अपनाने शुरू कर दिए है कि किस प्रकार से ये अपना फाइनेंशियल बिल पास करें। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हमारे 15 विधायकों को, इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी भी है, उनको निष्कासित कर दिया है। हम पूछना चाहते हैं कि कौन से रूल के अंडर उनको निष्कासित किया गया है, उनकी क्या गलती थी। जनता की मांग रखना और विधायकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उसका विरोध करना इनकी गलती थी। कल यहाँ पर विधायक ने अपने गुहार जो है वो अध्यक्ष के कमरे तक पहुंचाने की कोशिश करी, पर विधानसभा के अध्यक्ष के अपने वहां पे जो मार्शल खड़े थे उन्होंने विपिन परमार जी का गला घोर दिया, वहां पे सुरेंद्र शौरी को चोटिल कर दिया। इस प्रकार की वारदातें विधानसभा में कर रही है और इनको लगता है कि इनकी जो सरकार है वो हाथ से निकलती चली जा रही है, क्योंकि अगर ये फॉलो टेस्ट अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइडेड वोटिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि क्लोज्ड वोटिंग में हार जाएंगे और अगर फाइनेंशियल बिल पास नहीं होता तो सरकार अपने आप गिरी मानी जाती है क्योंकि आप फाइनेंशियल बिल पारित नहीं कर पाए। इसलिए पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत के ये सिद्ध कर दिया है कि विपक्ष में भी वह सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। तो करण जी, अब आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार की बात करें अगर हम, तो अगले कुछ घंटों में आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या लगता है कि इससे हम सुक्खू सरकार को बचा लेंगे? देखिए, अगर ये ओछी और इस प्रकार के हटकंडे अपना रहे हैं तो ये आज का दिन तो सर्वाइव कर सकते हैं, पर कल जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तो ये लोग क्या करेंगे। यहां तक की सूचना तो ये भी उठ रही है कि मुख्यमंत्री बदलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाना चाहते हैं। और एक साल के अंदर ऐसे कागार पे कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी है जहां ये अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक तानाशाही सरकार चल रही थी और आज इसका स्वरूप सामने है। और लगता है कि अगर ये मुख्यमंत्री बदलेंगे तो इनके नेता जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स तो कर ही रहे हैं। आप देखें कितना विरोध जो है कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस ने कर दिया है। और कल तो मनु सिंह जी खुद कह गए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा ना हारे हैं, हम तो कांग्रेस से ही हार गए हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही उनको धोखा दिया है। तो इस प्रकार की जो पार्टी है उसका भविष्य हिमाचल प्रदेश में नहीं दिख रहा है, बड़ी जल्दी जो है इस सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी, राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो जोड़ तोड़ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में पहले कर चुकी है वो यहाँ भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका करण नंदा जी, इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।